नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, व्हाट इज योर टू स्टॉप लिस्ट? लगता नहीं कि ये नया कॉन्सेप्ट है या समथिंग डिफरेंट? क्या आपको ऐसा लगता है? जनरली हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, यानी सुबह से शाम तक आज मेरे को क्या क्या करना है, 9 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, 2 बजे क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है। ऑल दीज आर द टू डू लिस्ट। आज क्या करना है, कल क्या करना है, आने वाले हफ्ते में क्या करना है, आने वाले महीने में क्या करना है, क्योंकि वो टू डू लिस्ट हमें अपना जो ट्रैक है जहां पे हम एक पार्टिकुलर लेवल तक जाना चाहते हैं, एक डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हैं, एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि टू डू लिस्ट। क्या कभी आपने सोचा कि जैसे हमारा एक टू डू लिस्ट होता है, ऐसा टू स्टॉप लिस्ट भी होना चाहिए? क्या है ये टू स्टॉप लिस्ट? यानी हम लोग जब बचपन से बड़े होते हैं, बड़े से बुजुर्ग होते हैं, एंड इन दिस पार्टिकुलर प्रोसेस हमारा कुछ हैबिट्स बन जाते हैं। कुछ हैबिट्स जो काफी अच्छे होते हैं, कुछ हैबिट्स जो बुरे हैबिट्स होते हैं। ऐसा कुछ हैबिट्स जो होते हैं कि हम अपने दोस्तों, अपना कॉलिग, अपने रिलेटिव्स के साथ जब भी मिलके डिस्कशंस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। दे लाइक दोज क्वालिटीज। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसा आदत भी आ जाते हैं जो सामने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। और अगर हमें बेहतर करना है इंटरपर्सनल रिलेशंस, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ, अगर हमें और भी जो बॉन्डिंग से दो जो रिलेशन है, जो रिलेशन का गहराई है, उसको अगर और भी बेटर करना है, तो हमें दोज हैबिट्स, जो जो हैबिट सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, जो जो हैबिट सामने वाले को इरिटेट करते हैं, जो जो हैबिट्स जिसके कारण सामने वाला हमसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, क्या आपको लगता नहीं कि उस हैबिट्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए? पहला बात है कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अपने अंदर में क्या क्या ऐसा हैबिट है जो सामने वाले को पसंद नहीं है, चाहे वो अपना फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कॉलिग्स हो, या चाहे वो अपना कोई नियर एंड डियर वंस हो। एक बार अगर उस हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं अगर इस टाइप से हंसता हूं, तो सामने वाले उसको बहुत ही नेगेटिवली लेते हैं। तो क्या हमें उस टाइप का जो हंसना हमें कंटिन्यू करना चाहिए? क्या उस टाइप के हंसने से अपना वैल्यू जो है वो क्या नहीं गिर जाता है, कम नहीं हो जाता है? अपना जो ऑथेंटिसिटी है, अपना जो इंपॉर्टेंस है, उन लोगों के सामने कम हो जाता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? एक एग्जाम्पल है हंसना। ऐसा काफी एग्जाम्पल्स है कि जो हम लोग जाने अनजाने में, जनरली अनजाने में रिपीट करते रहते हैं, जो सामने वाले को बिल्कुल इरिटेट करता होगा या सामने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड इन सर्टेन केसेस दे वांट टू अवॉइड। क्या हमें उस टाइप के हैबिट्स को एक लिस्ट बनाना चाहिए एंड उसका एक टू स्टॉप लिस्ट बनाना चाहिए? स्टॉप लिस्ट नंबर 1, मेरे को ऐसा कभी भी इडियट की तरह सा किसी के सामने हंसना नहीं चाहिए या अनाड़ी की तरह स्माइल नहीं देना चाहिए। नंबर 2, कभी भी सामने वाला अगर कुछ इंटरेस्ट के साथ कुछ अपना फीलिंग्स शेयर कर रहा है, क्या हमें एम्पेथेटिक वे में उनका जो फीलिंग्स है सुनना चाहिए, ना कि जस्ट सुनने के लिए सुनना चाहिए या रिप्लाई करने के लिए सुनना चाहिए? अगर हम सामने वाले को
जस्ट रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं, वी आर नॉट एक्टिव लिसनर, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न टू रिप्लाई हिम कि ब्ला 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 ये ऑल दिस थिंग्स. लेकिन हमें क्या उस टाइप के लिसनिंग के जगह पे एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं करना चाहिए कि बंदा जो बोल रहा है, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स हिज इमोशंस. क्या हमें इस टाइप के सर्टेन नेगेटिव हैबिट्स जो हमें हमारे फैमिली मेंबर्स से, दोस्तों से, कॉलिग से या नियर एंड डियर वंस से डिस्टेंस मेंटेन करने में फोर्स करते हैं, उस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स का एक टू स्टॉप लिस्ट बनाना चाहिए. एंड ये जो स्टॉप लिस्ट होगा ये इमीडिएटली खत्म नहीं होगा, इमीडिएटली कल सुबह से ही हम उसको बंद नहीं कर पाएंगे, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एंड खुद के ऊपर काफी वर्क्स करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि वो जो मिस्टेक्स है धीरे धीरे कम हो जाए एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल रिमूव हो जाए अपने लिस्ट से. तो आज का ये जो छोटी सी बात है, इट्स अबाउट व्हाट इज योर टू स्टॉप लिस्ट, यानी ऐसा क्या क्या अपने अंदर में सर्टेन हैबिट्स है जो सामने वाले को पसंद नहीं है. एंड नॉट ओनली दैट वन, बिकॉज ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपना परफॉर्मेंस को, हम अपना जो प्रेजेंटेशन से, हम अपना जो इम्पोर्टेंस है सामने वाले के ऊपर प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. दोज कैरेक्टरिस्टिक्स को, दोज बैड हैबिट्स को या रॉन्ग हैबिट्स को एक स्टॉप लिस्ट बना के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस लिस्ट को जीरो करना चाहिए. तो अभी के लिए यही है एक छोटी सी बात, व्हाट इज टू स्टॉप लिस्ट. रिक्वेस्ट एवरीवन टू थिंक अबाउट दिस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लिस्ट के ऊपर अगर हम काम करना चालू कर लेंगे तो क्या होगा, वी विल बी अवेयर अबाउट आवरसेल्फ, यानी हम अपने बारे में अवेयर होंगे, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किस टाइप का बॉडी लैंग्वेज दे रहा हूँ, मैं किस टाइप का वर्बल लैंग्वेजेस यूज कर रहा हूँ, मैं किस टाइप का ड्रेस पहन रहा हूँ, मैं किस टाइप का बिहेव कर रहा हूँ, ऑल दिस, सामने वाला क्या उसमें इम्प्रेस हो रहा है या वो नापसंद कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट्स विद आवर अवेयरनेस. एक अवेयरनेस हो जाएगा तो हम धीरे धीरे उस स्टॉप लिस्ट को एक बना लाएंगे, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री करके, वट एवर इज देयर. जो स्टॉप लिस्ट के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी कैन ग्रो आवर सेल्फ, वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, वी कैन मैनिफेस्ट आवर एक्सप्रेशंस. हमारा जो इंटरपर्सनल स्किल्स होगा, हमारा जो दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, डे बाय डे बहुत ही बढ़िया होगा, एक अल्टीमेट लेवल तक हम जा सकते हैं. सामने वाला विल बी हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ अस, सामने वाला विल कम फॉरवर्ड एंड नोइंगली एंड इंटरेस्टिंग विथ ग्रेट इंटरेस्ट दे विल ट्राई टू अटैच, दे ट्राई टू इंटरेक्ट, दे ट्राई टू इन्वॉल्व विथ आवर प्रेजेंस. तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद.